नमस्कार, प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान के सियासी घमासान में राहुल गांधी की एंट्री हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राहुल गांधी ने फोन पर बात की है और सचिन पायलट के पोस्टर्स को वापस लगा दिया गया है पीसीसी दफ्तर पर। तो सुबह जो खबर मिली थी कि सचिन पायलट के पोस्टर हटा दिए गए थे, सुबह पार्टी कार्यालय से पोस्टर हटाए गए थे, फिर से एक बार उन्हें लगवाया गया है। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत करके अब इस पूरे मामले का हल निकालने की कोशिश की है। दूसरी तरफ सचिन पायलट विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे, दावा करते रहे कि उनके पास 25 विधायक है। वहीं जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैमरे के सामने बताया कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, उनकी सरकार सुरक्षित है। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की, और जैसे ही कैमरे के सामने ये साबित किया गया, उसके बाद प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी बातचीत की और साथ ही साथ सचिन पायलट से भी बातचीत की। तो वहीं राजस्थान के सियासी संकट से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता दें कि गुरुग्राम के आईटीसी ग्रैंड होटल में हलचल, करीब एक दर्जन कांग्रेस के जो विधायक हैं वहां पर होने की जानकारी इस वक्त है। करीब 12 विधायकों के वहां पर होने की जानकारी, हालांकि सचिन पायलट ज्यादा का दावा कर रहे थे विधायकों से मुलाकात करने आ सकता कोई बड़ा नेता। तो इस वक्त जानकारी मिल रही है कि इन विधायकों से वहां पर मुलाकात करने के लिए कोई बड़ा नेता पहुंच सकता है। गुरुग्राम के आईटीसी ग्रैंड भारत होटल से इस वक्त हलचल की खबर मिल रही है। तो लगातार इस सियासी संकट का जो केंद्र बिंदु है वो गुरुग्राम का ये आईटीसी ग्रैंड भारत होटल, जहां पर सबकी निगाहें थी कि आखिरकार इस होटल के भीतर कितने विधायक होंगे, क्या गहलोत सरकार जाएगी या फिर जारी रहेगी। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में विधायकों के साथ ही बता दिया कि उनकी सरकार सुरक्षित है। 12 विधायक गुरुग्राम के आईटीसी ग्रैंड होटल भारत में होने की बात सामने आ रही है और वहां पर कोई भी बड़ा नेता उनसे मिलने के लिए पहुंच सकता है, बातचीत हो सकती है इन 12 विधायकों से गुरुग्राम के आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में। इस वक्त हलचल की खबर है जो कांग्रेस के करीब एक दर्जन विधायक का वहां पर रुकने की जानकारी है, यानी कि करीब 12 विधायक यहां पर हो सकते हैं। हालांकि 102 विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ होने का दावा किया गया, जिसमें कांग्रेस और निर्दलीय शामिल हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, क्या कुछ बड़ी अपडेट है राजस्थान के सियासी हलचल को लेकर के इस वक्त गुरुग्राम के आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में देखी जा रही है? देखिए हेमंत, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो सियासी घमासान राजस्थान की गलियों में मचा हुआ है और उस बीच अब ये गुरुग्राम में भी आकर कहीं जो हलचल है वो तेज हुई है। और गुरुग्राम के आईटीसी ग्रैंड होटल के साथ साथ गुरुग्राम का जो बेस्ट वेस्टर्न रिजॉर्ट है उसमें भी कुछ विधायकों को ठहराया गया है। परसों देर रात इन सभी विधायकों को गुरुग्राम लाया गया था और जिस तरह की संभावनाएं हैं कि इन विधायकों से मिलने कोई बड़े नेता या खुद सचिन पायलट आ सकते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस के विधायक हैं और सचिन पायलट समर्थक विधायक ये बताए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से गहलोत सरकार के ऊपर जो संकट के बादल छाए हुए हैं, उन संकट के बादलों को हटाने के लिए लगातार कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो संकट को पैदा करने वाली स्थिति है वो गुरुग्राम से भी उत्पन्न हो रही है। और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में जो विधायक यहाँ पहुंचे तो उनको किस तरह से गहलोत सरकार की तरफ से मनाने की कोशिश की जाएगी, अशोक गहलोत क्या उनको मना पाएंगे, इन तमाम पहलुओं के बीच अभी जो हलचल है वो तेज है। चाहे वो राजस्थान की सियासत की बात की जाए तो वहां जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, बैठक के बाद बैठक हो रही है, मैराथन बैठकें की जा रही है, तो उस बीच दिल्ली से लेकर राजस्थान और गुरुग्राम के इन दोनों होटल्स के अंदर कहीं ना कहीं स्थिति यही है कि जो विधायक हैं, जो यहाँ विधायक ठहरे हुए हैं, तो उनसे जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें सचिन पायलट खुद इन विधायकों से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि सचिन समर्थित सभी विधायक हैं। तो जाहिर सी बात है कि स्थिति अभी जिस तरह की बनी हुई है उस बीच ये तो निश्चित है कि गहलोत सरकार के ऊपर जो बादल संकट के छाए हुए हैं वो अभी छटना मुश्किल नहीं लग रहे हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र, चूंकि राजधानी जयपुर में सीएम हाउस में कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैमरे के सामने विधायकों की परेड करा करके बता दिया कि उनकी सरकार सुरक्षित है, और अब पार्टी स्तर पर निर्णय होगा कि सचिन पायलट के साथ कोई बातचीत होगी
किस तरीके से होगी या फिर कांग्रेस पार्टी अपनी शर्तों पर बात करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर इस होटल की बात करें, वहां पर क्या कुछ नजर आ रहा है कि कितने विधायक, जो लगातार बातें आ रही थी अलग अलग, क्योंकि सचिन पायलट कह रहे थे कि उनके पास 25 विधायक है, अशोक गहलोत ने कह दिया कि 102 तो उनके पास बैठे हुए हैं। देखिए बिल्कुल, ये जो विधायकों का आंकड़ा है, निश्चित तौर पर अशोक गहलोत अपने तमाम विधायकों के साथ जो परेड कर रहे हैं लगातार, वो एक अलग स्थिति है। लेकिन खुद सचिन पायलट कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि 30 विधायक उनके संपर्क में, क्योंकि जो बैठक अशोक गहलोत के निवास पर हुई थी, जिन विधायकों की संख्या जोड़कर अशोक गहलोत बता रहे हैं, तो उसमें से कुछ विधायक जो सचिन पायलट के समर्थक विधायक भी हैं, तो वो देखने वाली बात होगी वो विधायक वहीं रहते हैं या सचिन पायलट के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी बात है, और अभी इसी के बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि सचिन पायलट को पहले मनाना कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बड़ी बात है, तो उनको किस तरह से मना पाएंगी, किस तरह से उनकी शर्तों को पूरा किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि फिलहाल इस पूरी पिक्चर में बीजेपी अपना किसी तरह का कोई पत्ता नहीं खोल रही, लेकिन कांग्रेस के इस कलह का कहीं ना कहीं वो फायदा उठाने। बिल्कुल देवेंद्र, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया सचिन पायलट के पास कितने विधायक हैं, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम के आईटीसी ग्रैंड होटल में कांग्रेस के करीब एक दर्जन विधायक रुकने की जानकारी इस वक्त मिल रही है, और आपको बता दें कि सचिन पायलट के समर्थक के विधायक बताए जा रहे हैं, जहां पर हमारे सहयोगी ने जायजा लिया, आप भी देखिए। सचिन पायलट के बगावती तेवर के बाद कहीं ना कहीं अशोक गहलोत सरकार अब संकट में है, और इसी संकट से बाहर आने के लिए तमाम कांग्रेस के बड़े नेता प्रयास कर रहे हैं कि सचिन पायलट को मनाया जाए। लेकिन सचिन पायलट ने जिस तरह से दावा किया था कि उनके पास 30 ऐसे विधायक हैं जो उनके कहने के साथ साथ उनके साथ खड़े हैं, और इससे गहलोत सरकार को एक बड़ा संकट आ सकता है। और इसके साथ ये भी बताया जा रहा था कि ये तमाम विधायक गुरुग्राम और दिल्ली में ठहरे हुए हैं। गुरुग्राम का ये वही होटल है जिसके अंदर करीब एक दर्जन से ज़्यादा विधायक बताए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की सुरक्षा यहाँ बढ़ाई गई है, और जो स्थानीय नेता हैं बीजेपी के, उनकी भी आवाजाही यहाँ बढ़ी है, तो इससे संकेत यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो विधायक यहाँ ठहरे हुए हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, या इस चर्चा में कहीं ना कहीं जो बातचीत है उसको और आगे बढ़ाया जा रहा है, जो मैसेज है वो उन तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन देखना ये होगा, क्योंकि सचिन पायलट भी खुद अभी दिल्ली में हैं, और बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से उन्होंने बात की, और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से भी वो संपर्क में हैं। लेकिन देखना ये होगा, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की तर्ज पर सचिन पायलट आगे बढ़ते हैं, क्या राजस्थान की सरकार जिस तरह से संकट में है क्या वो संकट और बढ़ेगा। इन तमाम सवालों के बीच अब यही नजर सबकी टिकी हुई है कि आखिरकार जो इस होटल में जो विधायक ठहरे हुए हैं, क्या उनसे कोई बड़ा नेता मिलने आता है, या फिर जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं उस बीच ये संकट और बढ़ जाएगा। गुरुग्राम से कैमरा जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। वहीं राजस्थान में जारी सियासी संकट से सरकार को निकालने के लिए रणदीप सुरजेवाला जयपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस दौरान सुरजेवाला ने कहा कि अगर किसी को कोई नाराजगी है तो पार्टी के सामने अपना पक्ष रखे। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए है, और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आला कमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए, अगर कोई समस्या है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम उस समस्या का निदान निकाल लेंगे। परंतु व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के चलते कांग्रेस पार्टी की सरकार को अस्थिर करना, या राजस्थान के लोगों ने जो 5 साल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुना है उसको कमजोर करना, ना वाजिब है, ना उचित है, और ना लोगों की सेवा और निष्ठा के अनुरूप है। हम भाजपा के इस दुर्भावना, रंजिश और बदले की भावना से इनकम टैक्स और ईडी के पीछे खड़े होकर वार करने की इस पूरी प्रक्रिया की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भाजपा लोकतंत्र को की मंडी में खरीदने की कितनी भी कोशिश करे, राजस्थान की बहादुर धरती, उनकी
हर इस प्रकार के षड्यंत्र को विफल करने वाली है। भाजपा लोकतंत्र को की मंडी में खरीदने की कितनी भी कोशिश करे, राजस्थान की बहादुर धरती उनकी हर इस प्रकार के षड्यंत्र को विफल करने वाली। तो वहीं राजस्थान में जारी सियासी संकट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने कहा है कि बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये दुर्भाग्य की बात है, एक राजनीति का खेल इस निम्न स्तर पर चला जाएगा। अशोक गहलोत जी के निकट के लोगों के ऊपर इनकम टैक्स के छापे, ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। सत्ता हासिल करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। धन दौलत का इस्तेमाल, 28 विधायकों ने ये प्रिविलेज मोशन दिया हुआ है कि हमको ऑफर का किया जा रहा है। उससे पहले राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय भी जो एंटी करप्शन ब्यूरो में कंप्लेंट की गई कि भारतीय जनता पार्टी पैसा देकर खरीदने का प्रयास कर रही है, तो ये तो उनकी पुरानी हरकत है। जो गुजरात में हुआ, जो कर्नाटक में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, वो सबके सामने है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा दल आज देश की सत्ता संभाले हुए है जो जिसको ना प्रजातंत्र में विश्वास है ना ही संविधान में। वहीं पीएल पुनिया ने अपने बयान पर यू टर्न ले लिया है। आपको बता दें कि पीएल पुनिया ने कहा था कि सचिन पायलट अब बीजेपी में है, जबकि अब पुनिया अपने इस बयान से यू टर्न लेते हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनका जो आशय था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से था। सिंधिया के बारे में, सिंधिया जी के बारे में बोला था, और अगर गलती से सचिन पायलट उसमें बोला गया हो तो ये तो आपको स्वयं सवाल पूछने वाले हैं। तो आपको देखना चाहिए था कि ये गलती से अगर स्लिप हुआ है तो उसको आवश्यक रूप से प्रसारित नहीं करना चाहिए था। हमने स्पष्ट रूप से कहा कि ये सवाल सिंधिया जी के संदर्भ में पूछा गया था, और सिंधिया जी के संदर्भ में मैंने कहा था कि वो बीजेपी में है, सचिन पायलट का सवाल ही नहीं। वो स्पष्ट रूप से खुद कह चुके हैं, स्वयं कह चुके हैं कि मैं भाजपा जाने वाला नहीं हूँ, इससे स्पष्ट और क्या हो सकता है। तो वहीं राजस्थान सरकार में अहम जिम्मेदारी निभा रहे कांग्रेस के विधायकों का यह कहना है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, सभी विधायक पार्टी के साथ हैं, कोई कहीं नहीं जाएगा। सियासी हमारे इस सरकार के ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, 1% भी संकट नहीं है। ये खाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा हवा बनाया जा रहा है। सब लोग एकजुट है और कांग्रेस पार्टी मजबूत है। ज्योतिराव सिंधिया तो बीजेपी खेमे में थे ही, सचिन पायलट भी चले गए, आपको पता ही रहता सर। अभी कितने और विधायक आने चाहिए? हमारे पास पूरी मेजोरिटी है। आपको कहीं दूर से दूर तक कोई खतरा नहीं है, सभी विधायक साथी अभी सारे लोग पहुंच रहे हैं, हम लोग भी पहुंच रहे हैं, सरकार पूरी तरह से स्थिर है। अब जानकारी नहीं है हमें अभी। हाँ सब है ना, पीछे बैठे हैं, मंत्री जी गाड़ी चला रहे हैं, सब लोग हैं गाड़ी में बैठे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे पीटीआई शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन की। प्रदेश भर में दरअसल पीटीआई के शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी यह प्रदर्शन जारी रहा। पीटीआई टीचर्स ने नौकरी पर बहाली की मांग को लेकर विधायकों के आवास का घेराव किया। पीटीआई शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन की 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रदेश के अलग अलग जगहों की है। सिरसा, हांसी, कैथल और जगाधरी की तस्वीरें हैं। सिरसा में भी नारेबाजी के साथ इकट्ठा हुए, मांग की बहाली की जाए। हांसी में भी पीटीआई शिक्षकों ने वही मांग दोहराई और प्रदर्शन किया, तो कैथल और जगाधरी में भी अपने अपने तरीके से पीटीआई शिक्षक प्रदर्शन करते हुए देखे गए। उनके साथ अन्य संगठनों के लोग भी मौजूद रहे जो लगातार उनको समर्थन दे रहे हैं। तो पीटीआई टीचर्स के हल्ला बोल की 4 अलग अलग तस्वीरें हैं, लगातार पीटीआई टीचर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी ये प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर जारी रहा, जिसमें सिरसा, हांसी, जगाधरी और कैथल की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। तो पीटीआई शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है।
तो वहीं सिरसा में नौकरी से हटाए गए पीटीआई टीचर्स का धरना 29वें दिन भी जारी रहा। विरोध प्रदर्शन करते हुए पीटीआई टीचर्स कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह के आवास पर पहुंचे। यहां भी सरकार पर बेवजह नौकरी से हटाए जाने के आरोप लगाते हुए उन्होंने नारेबाजी की। इसके बाद कैबिनेट मंत्री ने आकर के प्रदर्शनकारी अध्यापकों को शांत करवाया, उनके समक्ष सरकार का पक्ष रखा। कैबिनेट मंत्री ने उन्हें बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन उनके प्रति सरकार का रवैया सकारात्मक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनकी पैरवी के लिए स्पेशल कमेटी का गठन किया है। कमेटी सभी संभावनाओं पर विचार कर रही है। संजय भाटिया जी भी थे और एक तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सरकार पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। कुमारी सैलजा ने टिड्डी दल के हमले को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। टिड्डियों ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है, सरकार सिर्फ खानापूर्ति तक ही सीमित रही। कुमारी सैलजा ने कहा कि किसानों को नुकसान का तुरंत मुआवजा दिया जाए। टिड्डियों के नियंत्रण को करने वाली छिड़कने वाली जो दवा है वो नकली है, इस बात के एक बार फिर से उन्होंने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशील नहीं है किसानों के मुद्दे पर और ऐसे गंभीर मुद्दे में भी नकली दवा का छिड़काव कर किसानों के साथ मजाक किया गया। ये कुमारी सैलजा ने आरोप लगाते हुए सरकार से मांग की है कि टिड्डियों से हुए नुकसान का मुआवजा सरकार जल्द से जल्द किसानों को दें। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने निशाना साधा राज्य सरकार पर। मनोहर सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं, साथ ही किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। उधर लोहारू के गांव चेहड़ और बीटर में टिड्डी दल पर ड्रोन से छिड़काव किया गया। कृषि मंत्री जेपी दलाल के निर्देशन पर दो बड़े ड्रोन रसायनों के छिड़काव करते हुए देखे गए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि टिड्डी दल को लेकर प्रदेश की सरकार और कृषि विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसे लेकर ये छिड़काव किए जा रहे हैं। राजस्थान की सीमा से हरियाणा में घुसते ही टिड्डी दल को ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक का छिड़काव कर तुरंत नष्ट किया जाएगा। ये ड्रोन देखिए कि किस तरह से इस क्षेत्र में जैसे ही टिड्डी दल घुसा है ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक का छिड़काव किया गया। टिड्डियों को नष्ट करने की कवायद लगातार की जा रही है। तो वहीं गोहाना में सोनीपत रोड पर मौजूद नई सब्जी मंडी में आढ़तियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। आढ़तियों ने कहा कि जब तक यहां से लक्कड़ मंडी को शिफ्ट नहीं किया जाएगा तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। आपको बता दें कि इस दौरान मंडी के आढ़तियों ने मंडी का गेट बंद कर गेट के बाहर टेंट लगा करके धरना दिया और प्रदर्शन किया। आढ़तीय एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक मेहता ने बताया कि सब्जी मंडी में अवैध रूप से लक्कड़ मंडी लगती है, जिससे सब्जी मंडी में अव्यवस्थाएं फैलती हैं और आए दिन मंडी में चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। साथ ही गंदगी भी इसकी वजह से फैल रही है, इसीलिए लक्कड़ मंडी को शहर में किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाए। ये जो आज गोहाना सब्जी मंडी एसोसिएशन यहाँ धरने पर बैठने पर मजबूर हुई है, इसमें लक्कड़ मंडी का पूरा हाथ रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पर लक्कड़ मंडी नहीं लगती थी, गोहाना के आउट एरिया में लक्कड़ मंडी लगती थी। तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन और रोड बनने की वजह से कुछ दिन परमिशन ले दी यहाँ भाई थोड़े दिन के लिए लगा लेते हैं, लेकिन इनने दबंगाई करते हुए यहाँ पर अपना पक्का ठैया ही जमा लिया है। और रात को जैसे अक्सर लक्कड़ मंडी वाले रात को ही आते हैं, खुले में शौच करते हैं, और जो रात को ही हमारे जो व्यापारी वर्ग व्यापारी भाई हैं और जो किसान भाई हैं उनका माल आता है यहाँ पर, ये चोरी जकारी करते हैं, जिससे एक सब्जी मंडी के आड़ती के अस्तित्व को खतरा महसूस होते हुए इस धरना पर बैठने के लिए मजबूर हुए हैं। मंडी में लकड़ी बाजार लगता है, लकड़ी की गोली कराते हैं और उससे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है आड़तियों को भी और माशाखोरों को। रात में चोरियाँ होती है, खुले में शौच करते हैं ये, और अब तो बहुत ज़्यादा महामारी फैली हुई है। सब्जी मंडी में पहले बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और इनकी 50-150 ट्रैली आ जाती है, उससे पूरी मंडी में हड़कंप सा मच जाता है और इस बीमारी को हमारे ऊपर अब थोपा जा रहा है।
तो वहीं हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 40 निजी स्कूलों का 10वीं कक्षा का बोर्ड रिजल्ट जारी नहीं किया। बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक 40 स्कूलों की मान्यता से जुड़े मामले के चलते बोर्ड का रिजल्ट रोका गया है। वहीं स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। आपको बता दें कि सोनीपत के 12, पलवल के 26 और कैथल के 2 स्कूलों का रिजल्ट रोका गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा भले ही 10वीं यानी सेकेंडरी की परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है, 64.59% परीक्षा परिणाम एक राहत की बात है विद्यार्थियों के लिए, लेकिन कुछ स्कूलों का परीक्षा परिणाम बोर्ड के द्वारा रोका भी गया है। कितने ऐसे स्कूल हैं और वजह क्या रही इसके पीछे, वो तमाम चीजें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह बताएंगे। सर, क्या वजह रही है कुछ स्कूलों का परीक्षा परिणाम जो है रोका गया? इंडिया न्यूज हरियाणा के हवाले जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पाई थी, पुख्ता जानकारी जो थी, उसके मुताबिक किस तरह से उनका परीक्षा परिणाम रोका गया? जब विद्यालयों की एफिलिएशन की जांच की गई तो ऐसे 40 विद्यालय जो पलवल में 26 थे, सोनीपत में 12 थे और कैथल में 2, ऐसे विद्यालयों की जांच की गई तो ध्यान में आया कि उनके एफिलिएशन के कागजात पूरे नहीं थे। उन सब स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया गया है। यदि उनसे संतुष्ट होंगे तो उनके विद्यार्थियों को रिजल्ट दिया जाएगा, और यदि उन्होंने किसी प्रकार की चीटिंग की है तो उसके ऊपर एफिलिएशन बायलाज के अनुसार 10B के अनुसार कार्रवाई करते हुए उनकी एफिलिएशन भी रद्द की जाएगी और शिक्षा विभाग को मान्यता रद्द करने के लिए लिखा जाएगा। माजरा क्या था सर, कैसे एफिलिएशन कैसे दी गई थी? शिक्षा विभाग, शिक्षा सदन, पंचकुला से एफिलिएशन जो है जारी की जाती है, विद्यालय शिक्षा बोर्ड मान्यता देता है, प्रक्रिया क्या थी इसकी? उस प्रक्रिया में नियम देखते विधान में आया कि भाई DC की कमेटी बनी होती है और उससे सब अनुशंसित होकर के शिक्षा विभाग पंचकुला शिक्षा सदन से एफिलिएशन उनकी रिकॉग्निशन होकर आती है और उसके बाद बोर्ड उनको एफिलिएशन देता है। लेकिन इनके विषय में देखने में आया कि वहाँ की जो तत्कालीन DO थे 3 स्थानों के, उन्होंने स्वयं ही उनको रिकॉग्निशन के लेटर जारी किए गए और बोर्ड में वो ऑनलाइन कागज मांगे जाते हैं, उसके आधार पर उन्होंने एफिलिएशन ले लिया और उनके विद्यार्थी परीक्षा में अपीयर हो गए। बहरहाल क्या माना जाए, फर्जीवाड़ा कहा जाए या कहीं ना कहीं मामले में हिला हवाली बरती गई थी सर? एकाएक जांच करने के बाद ही मालूम होगा कि क्या है ये फर्जीवाड़ा है कि वास्तव में कहीं चूक है, ये जानकारी तो जांच के बाद ही। अगर फर्जीवाड़ा निकलता तो क्या अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा विद्यालय शिक्षा बोर्ड करेगा इस पूरे मामले में? निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी जो हैं जिन्होंने बोगस रिकॉग्निशन लेटर जारी किया है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करने के लिए हम शिक्षा विभाग को लिखेंगे। जाहिर तौर पर ऐसे 40 स्कूलों का जिक्र किया गया है, 26 स्कूल जिनमें अगर बात करें पलवल के हैं, 12 स्कूल सोनीपत के और बाकी 2 स्कूल जो है वो कैथल के हैं। एक कमेटी बनाई जाती है जो कि अनुशंसा करती है किस तरह से जो है एफिलिएशन दी जाए, किस तरह से मान्यता दी जाती है, लेकिन कुछ नियम कानूनों को दरकिनार करके, जिस तरह की जानकारी अभी तक मुहैया हो पाई है उसके मुताबिक नियम कानूनों को दरकिनार करके स्थानीय स्तर पर ही जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा इस तरह की मान्यता, इस तरह की एफिलिएशन जो है दी गई थी और उसके बाद बोर्ड से जो है अनुक्रमांक जारी करवाए गए थे, लेकिन बीच में विद्यालय शिक्षा बोर्ड की इसको मुस्तैदी कहा जाएगा, जब जांच की गई तो जांच के दौरान ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं उनमें गड़बड़ी पाई गई थी, ऐसे में ऐसे स्कूलों का परीक्षा परिणाम अब रोका गया है, नोटिस जारी किया गया। तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है राजस्थान के सियासी संकट से जुड़ी हुई है, क्योंकि राजस्थान में लगातार चर्चाओं का दौर गर्म है। मुख्यमंत्री आवास से अब विधायक रवाना होने लगे हैं, विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है, अपनी गाड़ी से रणदीप सुरजेवाला भी निकल चुके हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है, कुछ विधायक अपनी अपनी गाड़ियों से निकले हैं, तो महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की, बाकी के विधायक बस से रवाना हुए हैं। तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।